यूपी हथरस दे विच एक गैंग रेप किया गया मनीषा वाल्मीकि दे नाल, जिन्हों जस्टिस दवाउण दे लई पूरा पूरे भारत दे विच रोस किया जा रहा सी, ते जिन्हों लैके 1 अक्तूबर ते 2 अक्तूबर की भारत बंद की कॉल दी गई सी, जिस तहत अज पूरे पंजाब दे विच बंद का ऐलान भी किया गया सीगा। ते उसनू लैके जलंधर दे विच वाल्मीकि भाईचारे वालों समूह वाल्मीकि भाईचारे वालों जिहड़ा रोस प्रदर्शन वो वाल्मीकि चौंक तो स्टार्ट करके कंपनी बाग लैके आंदा गया सीगा। कंपनी बाग लिआउण दा कारण ये बनिया सीगा कि कंपनी बाग दे विच कारपोरेशन दे लागे बिल्कुल कंपनी बाग आ जिथे बीजेपी वालों कांग्रेस दे उल्ट जिहड़ा रोस प्रदर्शन किया गया सी कि कांग्रेस जिहड़ी आ उह गुंडागर्दी अपनी बंद करे। सो उस चीज़ नूं लैके जदों रोस प्रदर्शन किया जा रहा सीगा उहनां वल्लों बीजेपी वल्लों मौन रख्या गया सीगा 10 तों 12 बजे दे विच विच, ते बाद विच जदों बीजेपी उठ के उहनां दी इंटरव्यू चल रही सी जां सारे मीडिया दे मुखातिब हो रहे सीगे, ते उस दौरान सारा वाल्मीकि भाईचारा जिहड़ा आ उह उहनां ने जदों कंपनी बाग वल नूं कूच कीती तां पुलिस ने उहनां नूं रोकण दी भी कोशिश कीती, पुलिस ने उहनां नूं रोकिया। उत्थे रोकण तो बाद जिद्दे ही उन्होंने इधर कूच की तो बीजेपी वाले जिहड़े ओह भजदे नज़र आए, ईवन कि कई बीजेपी वाले अपनियां चप्पलां भी उत्थे छड्डदे हुए उत्थों निकलदे ही बने कि कोई जिहड़े कोई होर प्रॉब्लम जिहड़ी ओह क्रिएट ना हो सके। सो जदों वाल्मीकि भाईचारा इधर नूं कूच करके फिर पुलिस प्रशासन वालों उन्होंने कह के वापस भेजा गया, उत्थों वापस हुंदे हुए उत्थों होके वह अंबेडकर चौंक गए। अंबेडकर चौंक तो बाद उन्होंने ये चेतावनी दे दी है सरकार नूं कि आने वाले समय दे होर भी तिखा संघर्ष जिहड़ा वह विढ़िया जाएगा। बहुत सारिया इहोजियां कुड़ियां ने, बहुत इहोजियां धीआं ने जिन्हां नूं हजे तक इंसाफ नहीं मिलिया। सो इन्हां दे संघर्ष वल इन्हां दे वल्लों ऐलान कर दिता गया, चेतावनी सख्त दे दी गई कि अज जिहड़े रावण ने वह दुबारा जिउंदे होणगे। महात्मा रावण जिहड़े ने वह दुबारा वह जिहियां जिहड़ियां जिन्हां ने अपनी भैन की अत जिहड़ी सीगी वह बचाई सीगी, उहनां नूं इंसाफ पूरा दवाया सी, उस तरह यह भी दवाउणगे। सो तुसी आप देखो कि किवें वख वख जथेबंदियां दे जिहड़े जिन्ने भी पतवंते आए हुए सी उन्होंने की किया। एक फीमेल होण दे नाते किवें तुसी इस चीज़ नूं लैंदे आ कि एक औरत एक कुड़ी दा इन्नी दर्दनाक दरिंदयां वल्लों पहलां रेप किया जाता, जुबान कट्टी जाती, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, पर फिर भी उत्थे दी सरकार ये गल कहिंदी भी है कि उहदा रेप नाल नहीं उहदी मौत होई, उहदी गर्दन की हड्डी टुटण दे नाल मौत होई है, फिर तुहाडे च रोस किस चीज़ का? देखो पहला तो मैं ये कहना चाहनी हाँ कि उहदी मौत करोना ना हुई आ, करोना ने उहदी हड्डी तोड़ी आ, करोना ने उहदे शरीर नूं इदां कीता कि उहदे शरीर दे विच रेप दे सिम्पटम्स मिल रहे आ, कि इह करोना ने कीता। सरकार इन्नी मूर्ख आ कि उह जिहड़े इन्ने पढ़ लिख के डॉक्टर मैडिकल प्रैक्टिशनर उन्होंने उहदा पोस्टमार्टम किया और इन्ने दिन होस्पिटल दे विच रही है, तो उन्होंने नहीं पता लगा कि वह किस चीज़ के नाल मरी है। ये तो सरासर सरकार उन्हां दरिंदियां नूं बचाने दे लई मतलब एक फेक न्यूज़ दे रही है कि मनीषा जी लक टुटण दे नाल मरी है। ये चीज़ नूं कह रहे फेक न्यूज़, ये तुसीं भी कह रहे हो, तो जोगी ने भी बार बार कह दिता उत्थे दी सरकार ने कि फेक न्यूज़ आ, इत्थे ना जाओ। जिहड़े ये खबर नूं पहुँचा रहे सी उन्होंने 105 ते जिहड़ा मामला भी दर्ज कर दिता, तो 26 नूं गिरफ़्तार भी कर लिया। देखो हले सानू ना बीजेपी वाली एनक नहीं लगी, जे सानू लग जावे फिर तो सानू रेप फेक ही लगे, पर हले सानू लगी नहीं आ, तो इसलिए सानू साफ नज़र आंदा आ कि रेप होया आ, रेप होया आ, तो रेप होया तो कुड़ी मरी आ। बस तुसीं किवें इस चीज़ नूं लैंदे, क्योंकि जे उहनूं 16 दिन हो गए सीगे, 16 दिनों बाद उहदी डैथ हो जाती है, तो अजे तक उहनूं इंसाफ नहीं मिलता, तो किवें तुसीं एक औरत होण दे नाते किवें देखदे? देखो रेप आए दिन होंदे ही रहिंदे आ, ठीक है, किसी नूं जस्टिस 10 साल बाद मिल जाता, 8 साल बाद मिल जाता, उन्हां दे जिहड़े दोषी आ उह फड़े भी जाते आ, ठीक है, पर इस केस दे विच की हुंदा कि जदों दलितां दीआं कुड़ियां ना हुंदा ना उहनां नूं ते इन्ना भी राइट नहीं हैगा कि उह अपनी पुलिस स्टेशन दे विच पैर रखण। होया इत्थे भी इंडिया मीडिया सब दिखा रहा, जे मीडिया कितने ना कितने फेक है, मीडिया कितने ना कितने रियलिटी भी दिखा रहा है कि उन्होंने पेरेंट्स उन्हों का संस्कार नहीं करन दिता, मतलब इन्होंने ये प्रूफ किया है कि वो दलिता नू संस्कार करन दा हक नहीं, दलिता नू हिंदू रिचुअल मना एक्सैप्ट जा परफॉर्म करन दा राइट नहीं हैगा। इन्होंने प्रूफ किया है 245 दे उत्ते उहदा संस्कार करके, क्योंकि हिंदू रिचुअल दे विच रात नू कीड़ा संस्कार करता और पेट्रोल दे नाल करता, इन्होंने प्रूफ किया है।
कि उन्होंने एक हिसाब का दस है कि तुम दलित हो तुम कोई राइट नहीं है ताकि कुड़ी का रेप भी होंगे ना तो वह भी रेपा के नहीं गिनया जाऊगा और ना तो वॉयलेंस कर हक आ ना तो अपने जस्टिस के लिए लड़न का हक आ मतलब इन्होंने प्रूव किया और लाचार तो मैं उन्होंने समझती हाँ कि जड़िया कुड़ियाँ ये इस कुड़ी के लिए कैंडल मार्च ले नहीं निकल रही मतलब अज आना चाहिए अच्छा मैं दो तीन कुड़ियाँ ही देख रही हाँ मतलब कितना कितने मैं ये कहना चाहनी हाँ कि कुड़ी कुड़ी की कोई क्लास नहीं है कुड़ी किसी जात दे विच नहीं वंडी हुई तो इसलिए कुड़ी नू अपनी होंद दे लई सड़क ते उतना चाहिए अज मनीषा है कल कोई होर हो सकती है होनी तो हैगी है, रुकना तो है नहीं जब तक रूल स्ट्रिक नहीं बनते और एक गल होर कहना चाहनी हाँ कि शूद्र ब्राह्मण वाला एक जड़ा बड़ा होंगे है डिफरेंस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ बीते दिन मनीषा वाल्मीकि यूपी दे विच जिहड़ा कुड़ी दे नाल बलात्कार किया गया बाद विच उन्हें इन्नी दरिंदगी दे नाल मार दिता गया तो प्रशासन वालों उत्थे दे प्रशासन वालों कुड़ी नूं पौने दो तीन के करीब 2:45 ते जला भी दिता गया उहदी जिहड़ी डेड बॉडी उहदे परिवार नूं नहीं दित्ती गई बहुत सारे सवालों के केंद्र सरकार ते जोगी सरकार नज़र ही आउंदी है पर हजे भी सुती हुई सरकार ते कई लोग इहो जिहे ने जिन्हां नूं समझ नहीं आ रही कि सरकारां किहो जी घिनौणियां हरकतां ते तुरी उत्ती है कि आने वाले समय के होर कि मनीषा जड़ियाँ बन जाएगियां सो उस रोस को लेकर पूरे वाल्मीकि समाज के वक् वक् संगठन जोड़े अज कट्ठे हुए ने वाल्मीकि चौंक के उन्होंने रोस आ कि आने वाले समय के होर जड़ियाँ मनीषा वाल्मीकि ने वह ना हो जाए सो उन्होंने लैके जो रोस प्रदर्शन आ चल रहा सो साढ़े नाल चंदन गरेवाल जी खड़े ने उन्होंने गल करते हैं कि कहना चाहते तमाम सारिया चीज़ों देखते हुए कि बार बार योजना चीज़ा वापरदिया ने जदों की केंद्र के भाजपा सरकार आई जदों की केंद्र भाजपा सरकार आई है मैं कहना लोग अज करोना करोना करते पे असल करोना तो जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जोड़ा वो करोना जोड़ा वो निकल रहा लोगों जो दलितों के उत्ते लगातारता दे अटैक हो रहे हैं हमले हो रहे और माइनोरिटी इस देश की टोटली अच्छे खतरनाक स्थिति दे आ गई है बड़ी बदतर स्थिति का सामना कर रही है तो इस देश के प्रधानमंत्री मैं चाहना और मैं असी मंग करते हैं भी शर्म नाल डुब के मर जाना चाहिए इदा के प्रधानमंत्री जोड़े इस देश की धी की राखी नहीं कर सकते सवाल गरेवाल साहब ये भी जुड़ जाता है कि जदों जबकि योगी सरकार के सामने सारा कुछ क्लीयर से पारदर्शी से उन्होंने पता से की वापरिया उस बच्ची के नाल पर फिर भी उत्थे प्रशासन भी ये गल कह रहा उत्थे दे डॉक्टर भी ये गल कह रहे हैं कि उहदे नाल रेप वर्गा कुछ नहीं आया फिर तुसी विरोध क्यों कर रहे हो यह जग जाहिर भी उहदे नाल रेप होया कि नहीं होया रिपोर्टा इन्हां दीआं डॉक्टर इन्हां दे अफसर इन्हां दे जो मर्जी चाहे रात नूं कर सकते जे सब कुछ क्रिस्टल क्लीयर सीगा तां रात तों उहनां दा जिहड़ा संस्कार उहदा कुड़ी दा बेटी दा क्यों कर दिता गया क्यों नहीं दिन का मतलब आपा वेट की इन्होंने अपने झूठ नूं लुकाउण दे लई अपनियां नाकामियां नूं लुकाउण दे लई अपनी जिहड़ी शर्मनाक स्थिति नूं लुकाउण दे लई उन्होंने रात नूं उस परिवार नूं प्रैशराइज करके कुड़ी का जिहड़ा उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिता जिहड़ा कि इस देश दे लई मैं समझदा इक काले दिन वांगू है सवाल जुड़ता पिया नाल कि उन्होंने प्रशासन वालों उ एस एस पी साहब वाले गल कह दी गई है कि जेड़ा खबर लिखूगा भी उत्ते भी परचा हो जाऊगा हूँ तक 105 मामले दर्ज कर ले गए ने 26 गिरफ्तार कर लिया गया इतने की कहना चाहते मैं ये कहना चाहना असं सारे सड़क से निकले हैं जेदे हिम्मत हैगी साढ़े परचा दर्ज करा के रखी साढ़े हिम्मत होगी असं लड़ांगे जिनी टिल लाउनी चाहते हैं इस दलितों की आवाज़ को दबाने लिए प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि असल जो हुक्मरान जमहूरीयत आ और इस देश का संविधान है जेदे अकॉर्डिंग आप सारे चलते हैं और देश का संविधान जो इन्हों बना सकता तो 2 मिनट लगते इन्हों लाने भी ला भी सकता पर हूँ ही हाल के जो तुम सारे ने उधर कूच की उधर बीजेपी वाले ने मौन वर्त रख्या होया सीगा मनीषा नूं लैके नहीं सी रख्या होया उन्होंने किसानों की गुंडागर्दी नूं लैके रख्या होया सी कि जिहड़ा कांग्रेस वालों गुंडागर्दी की गई कल अमृतसर ते लुधियाने दे विच जो वाल्मीकि समाज ने उधर कूच की तो चले गए इन्हू की समझते हो तुम तो किवें लेंदे हो इन्हू मैं तो हुणे मैनू आके पता लगा हुणे ज्वाइन किया मैं थोड़ी देर पहला ये बेसिकली मैं समझता कि शर्म ना जिहड़े हालात हैगे आ इन्हां दीआं जीभां नूं जिहड़े मौन वर्त रखे हो जीभां नूं ताले लगे हुए देश के हालात देख के जिहड़ी अज देश दे विच अराजकता फैली हुई है उहनूं लै के इन्हां दे मूंहां नूं ताले लगे हो और दिन दूर नहीं
2022 आने वाला इन्होंने तुहाडे गलियां च कूचियां च फिरना तो मैं समझदा कि जेड़ा गैरतमंद होगा वह इन्हों जवाब बहुत चंगी तरीके देगा। अगली रणनीति की होएगी क्योंकि किन्ने दिनों तो 16 दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है, अजे तक आरोपियों कोई भी जड़ा सजा है वह सुनाई नहीं गई, उन्होंने लेके की कहना चाहो? बहुत जल्द असी कोई ना कोई संघर्ष वड्डा उलीकांगे, पंजाब दीआं जिन्नीआं तमाम जथेबंदियां हैगे जिहड़े भी संगठन हैगे सारिआं नूं नाल लैके लामबद्ध करके कोई वड्डा संघर्ष उलीकांगे। की कहना चाहुंदे, बड़ी शर्मनाक जिहड़ी वारदात आ होई है यूपी दे विच, एक नहीं होई उहदे नाल ही दूसरी माधवी का भी हो जाता रेप, उस तो बाद उहनूं भी झूठा फेक कह दिता जाता, इत्थे की कहना चाहुंदे, कौन जिम्मेवार है? इहदा साक्षात जिम्मेवार सरकार जिम्मेवार आ, बीजेपी सरकार आ, छड़ियां दी सरकार आ, मोदी भी छड़ा उधरों जिहड़ा बाबा इहनां दा, इह भी छड़ा वा, इहनां दा साफ साफ इस चीज़ दे विच हाथ आ, इहनां दी जिहड़ी मनुसमृद्धि आ, मनुसमृद्धि दे विच इहनां दा कहा जांदा वा, इहनां दे कहण दे नाल ये नहीं लगता कि रेप होया वा, कि इहनां दा एक कल्चर आ, पर इस कल्चर नूं असी बर्दाश्त नहीं करांगे, असी बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर दी अंसवा, असी इस चीज़ का जवाब मंगांगे, बाबा साहब ने कानून लिखिया पर असी कानून हाथ नहीं लवेंगे, जे सरकार ने उन्होंने कवर अपना किया उन्होंने ना फड़िया तो यदा नतीजा सरकार भुगतनगियां, असी भी अपने तरीके ना एक काम करके दिखावे। पर जो देखा जाए तो 16 दिन हो गए ने दिल्ली के हॉस्पिटल के उन्होंने एक निजी हस्पताल दम तोड़ दिता मीनाक्षी ने मनीषा ने, उस तो बाद सामने गल ये आती है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट भी आई है कि वेद कोई रेप नहीं होया, मौत जी गर्दन की हड्डी टुटन के नाल हुई है, फिर तुम रोस किस चीज़ का वाल्मीकि समाज कर रहे? सरकारां उन्होंने रलिया पईआं वा, सरकार उन्होंने डॉक्टर उन्होंने ए तो लै जट तक प्रशासन उन्हों का वा, तो साडा कुछ नहीं आ, पर असी दलित एक ताकत आ, एक मिसाल आ, असी रावण राज लैके आवेंगे, जे महात्मा रावण अपनी भैन ले लड़िया सी असी भी अपनी भैन ले लड़ के दिखावांगे। हुणे तुसीं कूच कीती सीगी उधर बीजेपी वाले जिहड़े अज मौन ते बैठे सी कांग्रेस नूं लैके कि कांग्रेस की गुंडागर्दी उह नहीं चलण दवांगे, उहनूं लैके जो तुसीं उधर गए तो सारे भजदे हुए नजर आए, इहनूं किस तरीके दे नाल लैंदे हो, क्यों क्यों उहनां नूं भजण दी जरूरत पई? उन्होंने भजन की तां जरूरत पई कि जे वाल्मीकि समाज साढ़े भड़क गया सा हथों पाई कर आ गया, उन्होंने अपने आप ही बीजेपी ने धरना चक लिया, उन्होंने धरना चक्या कि उन्होंने पता कि असं झूठे हाँ, कि असी एडा वड्डा देश के उत्ते कष्ट आया पाया, जड़िया धियां धियां सब दियां सांझियां वा, तो धियां नूं परमात्मा वाल्मीकि मारे कह के जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, पर असी अज उस जननी के हक के खड़े हाँ। चाहते यूपी के एड्डी मंदभागी घटना जी वापरी है साड़ी मनीषा वाल्मीकि की कुड़ी दे नाल, सो लगता कि अज जो बीजेपी वाले ने उधर प्रोटेस्ट किया होया सीगा मौन रखे होया सी उन्होंने कांग्रेस नूं लैके, पर तुसी जो सारे ने उधर कूच की तो सारे भजदे हुए नज़र आए ने, वो सारी चीज़ नूं किवें लैंदे हो? देखो अगर वो भजदे हुए नज़र आए हैं तो इट मीनस उन्होंने कोई डर सीगा, अगर वह अपने आप नूं वाल्मीकि समाज नूं हिंदू समाज का एक अंग मानते आ, अज उन्होंने नाल खड़े होना चाहिए सीगा, नाल खड़े होकर प्रोटेस्ट करते, मंग दोषियों की आ, सरकार जिहड़ियां आंदियां जांदियां रहिंदियां सरकारां दा उहदे विच जो भी मंशा होएगी आपां टाइम आन ते उहदा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो मंदभागी घटना कुड़ी दे नाल होई आ उस टाइम दे दौरान योगी सरकार जिहड़ी कि मौजूदा सरकार आ उत्थे, और बिल्कुल शो हो चुका पिया कि योगी जी आप भी कंप्यूटर के उत्ते वो ची लाइव जिहड़ा उहदा कुड़ी दे बल सड़न का लाइव जिहड़ा दाह संस्कार का लाइव जिहड़ा उह देख रहे ने, इन्ना कुछ सारा कुछ होने के बावजूद भी कित ना कि बीजेपी सरकार उसकी जोड़े दोषियों के रहनुमाई दे विच असी उन्होंने उन्ना ही दोषी मानते हैं जिन्ना कि असी जोड़े जिन्होंने क्राइम किया या जोड़े हत्यारे या जोड़े रेपिस्ट आ, क्योंकि उन्हां दीआं फोटोआं उन्हां दे नाल योगी जी दे नाल भी आईआं कि उन्हां दे बहुत ही क्लोज सीगे, तां करके FIR दर्ज नहीं हुई, पुलिस प्रशासन ने उत्थे वाल्मीकि समाज का कोई साथ नहीं दिता, और उत्थे दे लोकी जिहड़े सीगे पिंड दे उन्होंने उन्हां दा कोई साथ नहीं दिता, इस तो तुसीं आप इस शो कर सकते हैं कि वाल्मीकि समाज के नाल तां तक्का होण डिआ तो उहदा करके जिहड़ा असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जे अज उह लोकी दौड़े आ तो वह किसी डर दे नाल दौड़े आ, असीं किसानां दे नाल भी अपना धरना प्रदर्शन किया, लेकिन किसी किसान ने मजदूर यूनियन ने साडे लई कोई बयान तक नहीं दिता, असी मंग करते हैं सारी ही आवाम दे कोलों के हर एक दी बेटी भैन माँ बराबर आ, असी इस गल नूं मानते हाँ, बट जदों साडी समाज ते कोई आपदा आई आ तो साडा किसी ने कोई साथ नहीं दिता हैगा, असी फिर भी आप जी सारे अगे अपील करते हैं, सारी आवाम अगे सारे शहर वासियां अगे
देशवासी अगे अपील करते हैं कि यह जिहड़ा टाइम किसी भी माँ बाप नूं देखना नसीब ना हो जो उस कुड़ी दे नाल होया रेप करके उहदी जीभ कट्टी गई उहदियां हड्डियां तोड़ियां गई रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और उहदियां लत्तां दियां भी हड्डियां तोड़ियां गई उस तो बाद विच कोई एफ आर नहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई जे उह कुड़ी की डैथ हो गई तो उहनूं रात नूं चोरां वांगू जिहड़ा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार निषेध हैगा कि रात नूं जिहड़ा दाह संस्कार नहीं हुंदा पर इन्हां ने इन्नी जल्दी उहदा दाह संस्कार कीता कि इस गल दे उत्ते कि कुड़ी दी जिहड़ी बॉडी खराब हुंदी सी मैं पुछना चाहना योगी सरकार नूं कि कुड़ी दी बॉडी खराब क्यों हुई ठीक है ना उह क्यों खराब हुई अगर खराब कीती गई तां खराब होई फिर तुसीं कहिंदे हो उहनां कोई रेप नहीं होया जे नहीं होया तां तुसीं इन्ना डरदे क्यों आ क्यों चोरी छिपे सारा कुछ करदे हो वाल्मीकि समाज मंग करदा आ कि उहनां दे परिवार नूं एक एक करोड़ रुपया उन्होंने घर चो नौकरी और उस बच्ची संतावना लई दोषियों चौंक दे विच खड़े करके जां तां गोली मारी जावे जां इमीजिएटली उन्होंने फांसी का हुक्म दिता जावे। कहना चाहुंदे जो यूपी दे विच मंदभागी घटना हुई है पर योगी सरकार ते उत्थे दे प्रशासन ने ते उत्थे डॉक्टर जिहड़े ने उन्होंने ये तो साफ कर दिता कि कुड़ी दे नाल रेप नहीं होया रेप करके उहदी मौत जिहड़ी उह नहीं हुई मौत का कारण सिर्फ उहदी गर्दन की हड्डी टुटना इहनूं किवें लैंदे। देखो जी मैं तां तुहानूं ये कहांगा उधर डीजीपी उधर प्रशासन सारा रलिया होया वा सरकारां दे नाल क्योंकि असल च देखा जाए जी कुड़ी साड़ी वार्मिक समाज की जी डैथ हुई है वह बहुत गरीब घर की आने गरीब परिवार को दबना दबे जान असल जी यूपी पुलिस वा जिन्हों कह दी आप प्रशासन जिन्हों कह दी प्रशासन का की मतलब आ कुड़ी का अद्धी रात को संस्कार करना पता लगाओ क्यों संस्कार करूँ किसी का कोई प्रशासन को की हक आ कि वो कुड़ी नस गई उन्होंने हैंडओवर क्यों नहीं किया गया घर दिन घर दिन डेड बॉडी वो करते राती 2 बजे का समा सगा पेट्रोल के नाल संस्कार किया गया साढ़े अपने पंजाब के अंदर अज तक कितने 2 बजे ज रात के रात किसी का कोई संस्कार नहीं किया गया यूपी पुलिस रली हुई है सरकार रली हुई है असी ये मंग चाहते जो परिवार को ना हक दवाया गया साडा जरा संघर्ष आ इस तरह ही चालू रहेगा साडा अलग अलग जिले साड़िया होर मीटिंगा हो जो उन्होंने ना असी पूरा धक्का करांगे जे धक्का करन दी लोड़ आई धक्का भी करांगे ही पूरा करांगे जे इंसाफ ना मिले। किवें तुसीं इस चीज़ नूं लैंदे आ कि जदों यूपी दे विच इह वारदात हुंदी आ ते उह साफ कह दिंदे ने भी जे किसी ने इहदे ते कोई खबर भी लिखी जां तुसीं कुछ बोले भी ते तुहाडे ते एफ आई आर दर्ज हो जाऊगी हुण तक 105 ते एफ आई आर दर्ज भी होगी 26 उन्होंने गिरफ्तार भी कर लेने फिर तुसीं किवें धक्का कर सकदे हो जदकि उत्थे दी सरकार कहिंदी रेप नहीं होया फिर वाल्मीकि समाज नूं कहदा रोस। देखो रोज इस करके आ वह झूठ बोलते पे आ रेप होया जुबान भी कटी गई फिर जुबान कटने की मतलब सगा जुबान इस करके कटी गई कुड़ी बयान ना दे सके रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई कुछ उन्होंने हड्डियाँ तोड़ी गई बहुत बुरी तरह मारिया गया आप कह भी नहीं सकते कि मरे उत जे लोग आए आ यूपी पुलिस रली हुई आ सरकार उन्होंने नाल आ एक गरीब बंदा की करेगा दसो पहला मैं एक गरीब बंदा रवै ही दबिया गया इस करके साड़ी जी आवाज़ आ उत्थे यूपी प्रशासन जाए तो सरकार को जाए जे उन्होंने नाम धक्का ना हो किसी तरह का सरकार उन्होंने पूरा कोपरेट करे असं ये चाहते सरकार को जे सरकार उन्होंने नहीं कोपरेट करती साडा जरा संघर्ष आदि चलता रहेगा असं किसी पब्लिक परेशान नहीं करना किसी दुकानदार को परेशान नहीं करना क्योंकि दुकानदार साढ़े भैन भरा वा साड़ी इन्होंने कोई लड़ा नहीं साड़ी लड़ाई सरकार के नाल आ ने जो चीज़ वापरी है बड़ी मंदभागी घटना जी यूपी दे विच हुई है पर सरकार ने क्लीयर कर दिता इस गल नूं कि उहदा रेप नहीं होया मौत का कारण सिर्फ रीढ़ की हड्डी टुटन सी फिर वाल्मीकि समाज दे विच इन्ना रोस क्यों। देखो जी सब तो पहला सारे जय भीम जय भारत ये सब ही यूपी सरकार की कीती कराई आ जो संस्कार हो रहा उदों भी लाइव देख रहा जी योगी लाइव देख रहा है पर अति मैं तो रिसर्च किया कि उन्होंने अपना वाल्मीकि समाज का सदस्य उत्थे पहुंचा उन्होंने कुछ हेल्प नहीं की उल्टा गुंडागर्दी करके आया उत्थे पर किमें अजे इस गल नूं लैंदे हो तुसीं कि एक पासे उन्होंने आ चीज़ कह दी एक पासे उन्होंने भी कह दिता कि जेड़ा इहदे बारे बोलेगा उत्ते एफ आई आर दर्ज होएगी 105 ते एफ आई आर दर्ज हो चुकी आ 26 उन्होंने गिरफ़्तार कर लेने ते अज तुसीं लगातार तुहाडा प्रोटेस्ट जिहड़ा इत्थे जारी आ उहनूं किमें लैंदे हो कि एकदम परचे उन्हां ते होणा ते तुहानूं इस चीज़ नूं किमें लै रहे हो। देखो जी ये तो शरेआम जी गुंडागर्दी हो रही आ जो तुसीं कह रहे हैं कि जिहड़ा इत्थे बोलूँगा उत्ते परचा जिहड़ा रद्द जिहड़ा दर्ज होएगा ये तो शरेआम युवा दी कट रहे आ साडे मूल निवासियों की आवाज़ जिहड़े कट रहे आ संविधानिक जिहड़ी आवाज़ आ कट रहे आ कि जिहड़ा बोलूँगा उत्ते परचा होएगा पर जे बोलांगे
ता ही परचा फटते करे कि जे सच्चाई है तो ही असं बोलेंगे। तो जी यूपी सरकार है सबनों पता वा कि 80 जड़िया सीटा यूपी के निकल दिया वा कि जी केंद्र सरकार यूपी की सीट सब तो ज्यादा प्यारी आ ते इत छरेआम धक्का दिन ब दिन हो रहा वा दलतान जो बलात्कार आ लगत मतलब लगभग 10 साल के रिकॉर्ड लभी है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच चुका वा। किमें इस चीज़ को देखते हैं कि एक पासे मनीषा का हजे दुख जिहड़ा सी ओह दिलां चों गया नहीं सी ते एक पासे नाल ही दूसरी साइड रेप हो जाता उस बच्ची दा उहनूं रिक्शे दे विच बुरी तरह दे नाल भेजिया जाता खून दे नाल लत पत करके उहनूं किमें देख। मैं तो यही नहीं समझ आती है कि इंसानियत जिहड़ी यूपी सरकार ने यह ठान लिता वा कि ना वह मुसलमान ना दलित समाज तो ना कोई गरीब वर्ग अभी रहन देवांगे ये रल के ही जिहड़ा पूरा जोरा शोरा ते मिटान ते सानू आई पई आ। सर बड़ा एक अहम सवाल रह गया सी मेरा इस चीज़ नू लेके कि जोगी साहब बार बार ये कह रहे ने कि उहदा बलात्कार जिहड़ा उह नहीं होया दूजे पासे जोगी ने जिहड़े लोग बोल रहे ने ते आवाज़ उठा रहे ने हुण तक 105 ते FIR दर्ज हो गई 26 गिरफ़्तार हो गए। मैं मेरे ख्याल पहला अपनी बाइट दे विच जवाब दे चुका हैगा नहीं मेरे ख्याल मैं किसी चैनल ते भी कीती होनी आ इहदे ते मेरा हुण भी स्पष्ट इह गल आ वी असीं सारे निकले होए आ जिहदे च जुरत हैगी साडे ते परचा दर्ज करन और असीं आपे ही इस देश दी व्यवस्था नू चलाण ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋ ਯੁਵਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਪੈਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ ਫਿਰ ਯੁਵਾ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਵੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਨਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਆ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਿਵਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ।